हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी फ़ोटो को शेप के अंदर कैसे फिल किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक फ़ोटो है और इस फ़ोटो को मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार से इस शेप के अंदर मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक शेप है और इस शेप के अंदर हमने इस फ़ोटो को यहाँ पर हमने फिल किया हुआ है। सो दोस्तों, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर किसी भी फ़ोटो को इस तरह से शेप के अंदर कैसे डाला जाता है, कैसे फिल किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की फ़ोटोशॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास में ये फ़ोटो है, तो यहाँ पर मैं इस वाली फ़ोटो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास में ये एक फ़ोटो है, तो यहाँ पर हमें इस फ़ोटो को एक शेप के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस फ़ोटो को, यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास में ये एक शेप है जो मैंने डाउनलोड किया है गूगल से, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे पास में एक शेप है, आपके पास में कोई सा भी शेप हो सकता है। तो किसी भी शेप में हम कैसे डालेंगे फ़ोटो, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर विंडो में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लेयर पैनल को ओपन कर लेना है। तो राइट साइड में देख सकते हो हमारा यहाँ पर एक लेयर पैनल भी ओपन हो गया है। अब इसी फ़ोटो को हमें यहाँ पर इस शेप के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको टूल बार में आ जाना है। टूल बार में आने के बाद में यहाँ पर आपको इस वाली फ़ोटो को, ये देख सकते हो यहाँ पर ये वाली फ़ोटो है, इस वाली फ़ोटो को हमें सेलेक्ट करके और यहाँ पर हमें इस शेप के अंदर डालना है। तो कैसे डालेंगे, सबसे पहले हमें इस फ़ोटो को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ तो ये सिलेक्शन बन चुका है, चारों ओर से ये सिलेक्शन बन चुका है। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं इस फ़ोटो को, तो कंट्रोल सी से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पर इस वाली शेप पर चलेंगे और इस वाली शेप पर चलने के बाद में आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी को प्रेस कर देना है तो ये फ़ोटो इसके अंदर पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट होने के बाद में इसको हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है, तो हम कंट्रोल टी दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और कंट्रोल टी दबाने के बाद में हम यहाँ पर अल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। इस शेप के अकॉर्डिंग हमें इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि ये इस शेप के अंदर पूरा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इतना यहाँ पर कर लिया है और पूरा शेप हमारे यहाँ पर कवर हो गया है। ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल और जी को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमने अपने कीबोर्ड से अल्ट कंट्रोल जी को प्रेस किया तो देख सकते हो ये फ़ोटो हमारा इसके पीछे आ गया है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये फ़ोटो आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे और कंट्रोल टी दबाने के बाद में इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो यहाँ पर ये हो चुका है। और ऊपर राइट पे हम क्लिक कर देंगे। ऊपर राइट पे क्लिक करने के बाद में देख सकते हो हमारा यहाँ पर शेप में ये फ़ोटो फिल हो गया है। अब इसका बैकग्राउंड भी हमें चेंज करना है, और अगर यहाँ पर लुक चेंज करना है इसका तो आप यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड हम यही इसी फ़ोटो का ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाली फ़ोटो ले लेते हैं और इसको पहले तो कंट्रोल डी से डिसलेक्ट करते हैं और इसको उठाकर और यहाँ पर छोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया है। लेकिन अभी ये इस शेप के ऊपर है ये फ़ोटो, तो हमें इस शेप के, हमें ये वाला फ़ोटो हमें इस शेप के पीछे लेके जाना है। तो लेयर पैनल में आ जाइए आप और लेयर 4 नंबर की जो लेयर है इसको आप उठाकर और यहाँ पर इस शेप के नीचे छोड़ दीजिए। तो शेप के नीचे छोड़ने के बाद में देख सकते हो ये फ़ोटो हमारी पीछे चला गया है। पीछे जाने के बाद में अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल्टर में जाना है, लेयर यहाँ पर ब्लर पे क्लिक करना है, गॉजियन ब्लर पे क्लिक करना है। और गॉजियन ब्लर पे क्लिक करने के बाद में जितना आप यहाँ पर ब्लर रखोगे उतना आप यहाँ पर ब्लर रख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ इतना यहाँ पर ब्लर रख लिया है और ओके पे हम ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में इस फ़ोटो को हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल टी दबाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे फ़ोटो को कुछ इस प्रकार से।
तो यहाँ पर हमने इसको बड़ा कर लिया है देख सकते हो, और ऊपर राइट पे हम क्लिक कर देंगे। ऊपर राइट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड भी लग चुका है। अब इस शेप के चारों ओर हमें स्ट्रोक देना है, तो हम शेप यहाँ पर लेयर पैनल में आ जाएंगे और शेप को चूज करेंगे, और यहाँ पर हम चलेंगे लेयर में और लेयर स्टाइल पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, और स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको किस कलर का स्ट्रोक देना है वो कलर आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। आप ब्लैक कलर का भी दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हो। जिस भी कलर का आपको यहाँ पर स्ट्रोक देना है वो कलर आप यहाँ पर दे सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर हम कोई बैकग्राउंड यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला ब्लैक कलर रख के देखते हैं, ब्लैक कलर भी नहीं हो रहा है सही से, और यहाँ पर हमने ये वाइट कलर ले लिया है, तो यहाँ पर हम वाइट कलर को चूज कर लेते हैं और ओके पे हम क्लिक कर देते हैं, और उसका थोड़ा सा साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमने साइज़ भी यहाँ पर इसका बढ़ा दिया है। अब उसके बाद में यहाँ पर हम आउटसाइड से हटाकर इनसाइड कर लेते हैं। इनसाइड पे मैंने क्लिक किया तो देख सकते हो यहाँ पर इनसाइड में ये लग चुका है। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें आउटर ग्लो पे हम क्लिक कर देंगे, और आउटर ग्लो पे क्लिक करने के बाद में ऊपर स्क्रीन से हटाकर नॉर्मल कर लेंगे, ओपेसिटी हम 100 कर देंगे, और यहाँ पर हम कलर चूज कर लेते हैं ब्लैक। तो यहाँ पर हमने ब्लैक कलर को चूज कर लिया है और ओके पे हम क्लिक कर देंगे, और उसके बाद में यहाँ से इसका स्प्रेड कितना रखना है वो आप यहाँ पर स्प्रेड रख सकते हो, और उसके बाद में साइज़ हम कितना रखेंगे वो आप साइज़ यहाँ पर चूज कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका ये शेप में लुक आ गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका लुक चेंज कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमारा बस इतना ही रखेंगे हम इसको, और उसके बाद में हम ओके पे क्लिक कर देंगे। बाकी आप काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप एक एक करके सभी को यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ पर ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग देख सकते हो हमारा यहाँ पर कितना अच्छा यहाँ पर डिजाइन तैयार हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बहुत आसान तरीके से अपने फोटोशॉप के अंदर इस तरह से शेप के अंदर फोटो को डाल सकते हो, और उसका बिल्कुल यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो, उसका डिजाइन भी बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों इसको सेव करने की, तो सेव कैसे करेंगे, फाइल पे चलेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इसको बाद में भी इसमें एडिट करना है तो आप इसको PSD में सेव कर सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप इसको JPG में सेव कर सकते हो। तो JPG में हमने चूज कर लिया है, और इसका आप नाम कोई भी रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने फोटो फ्रेम में यहाँ पर नाम रख दिया, फोटो फ्रेम टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो फ्रेम टाइप कर दिया है, और डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है, तो देख सकते हो यहाँ पर ये वाला फ़ोटो आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये फ़ोटो फ्रेम आ गया है। सो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग सीख गए होंगे कि फ़ोटो फ्रेम कैसे बनाया जाता है, फ़ोटो को शेप के अंदर कैसे फिल किया जाता है। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे व्हाइट कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा, और बगल में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई टिप्स नई ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।